दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके एनडीए के अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उसका नाम, उसका यूज़। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट आता है आपका हेड मिरर। हेड मिरर आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, आपका फोकल लेंथ और आपका डायमीटर ऑफ मिरर होता है 89 mm। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जो आपको याद पता होना चाहिए, हार्टमैन और स्पेकुलम, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट ईएसी के अकॉर्डिंग। इसका हमें पता होना चाहिए कि हाउ विल यू यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑरल स्पेकुलम, थेरापेटिक आप देख सकते हैं, और टॉयलेट रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, ऑपरेशन कौन से यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट लाइकली कंडीशन वेयर यू कॉन्ट सी कॉन ऑफ लाइट, एक्यूटोटाइटिस मीडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये, जो आपके ईएससी के अंदर आपको डिजीज़ पर भी पूछ सकता है कि आप कौन सी होती हैं, ठीक है। मेनली आपको इंस्ट्रूमेंट और उसका यूज़ बताना चाहिए। तीसरा आता है आपका ट्यूनिक फोक। ट्यूनिक फोक के पार्ट कौन से हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप कि सबसे पहले पार्ट पे जाते हैं, फिर हम आते हैं टेस्ट पे। जो पार्ट होते हैं वो आता है आपका नंबर वन बेस प्लेट, फिर शाफ्ट, फिर प्रोंग्स, ठीक है। ये कौन से टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, नंबर एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन, वेबर टेस्ट और आपका रिने टेस्ट। ये आपसे परफॉर्म भी करवा के देख सकता है एग्जामिनर, और आपको पता भी होना चाहिए कि क्या इसका यूज़ कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन हम करते हैं ट्वेंटी फोक से, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन ट्वेंटी फोक यूज़ होता है वो दोस्तों होता है आपका 512, 512 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आता है दोस्तों वो आता है आपका सिम्पसन ओरल सीरेंज, आप देख सकते हैं। और सिम्पसन ओरल सीरेंज में आपके तीन पार्ट होते हैं, नोजल, सिलेंडरिकल एंड प्लंजर। जो देख सकते हैं आप, ये सिलेंडर पार्ट हो गया, ये प्लंजर, ये आपका नोजल, ठीक है। यूज़ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट 1, 2, 3, ओरल टॉयलेट, ऑटोमाइकोटिक ड्रग एंड फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए। टेक्निक नॉर्मली ज़्यादा नहीं पूछता एग्जामिनर। जो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो आता है आपका जेंसन सेल्फ रिटेनिंग मैस्टर डिटेक्टर। जेंसन सेल्फ मैस्टर डिटेक्टर यूज इन द मैस्टोडेक्टोमी टू रिट्रैक्ट सॉफ्ट टिश्यू आफ्टर इंसिजन टू एलिवेशन ऑफ फ्लैप्स, ठीक है। एक्शन आपको पता होना चाहिए, सेल्फ रिटेनिंग होता है, हीमोस्टेसिस प्रोवाइड करता है, और कहाँ का अप्लाई होता है ये पता होना चाहिए यूज, ठीक है। थ्री टाइप ऑफ मैस्टेक्टोमी नॉर्मली आपसे नाम पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका जॉबसन ऑर्ने प्रो विद रिंग रेट। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यूज़ है, ये आपका रिंग है, ये आपका प्रोब है, इसमें आपका यूज़ आपके पता होना चाहिए। जेक्यूरेट का यूज़ होता है फोन बॉडी रिमूव एंड वैक्स रिमूव करने के लिए, और जो आपका ऊपर वाला है वो आपका हम ट्रेस साइनस ट्रैक्ट को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं, और उसके यूज़ एज ए कॉटन वूल स्वैब कैरियर टू क्लीन ओरल डिस्चार्ज इन ओटाइटिस एक्सटर्ना और ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो आते हैं आपके हार्टमैन ड्रेसिंग फोर्सेप, तिले ड्रेसिंग फोर्सेप। इन दोनों में आपको यूज़ पता होना चाहिए, ड्रेसिंग रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, ईयर सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्यूडिकम नेजल स्पेकुलम, आपका जो होल्डिंग पोजिशन है वो आपसे एग्जाम पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका इसके बारे में यूज, एंटी राइनोस्कोपी में यूज़ होता है। थेरापेटिक कंडीशन आपको पता होना चाहिए, नेजल पैकिंग, रिफॉर्म बॉडी रिमूवल, फोलोपेक्टोमी, एसएमआर, ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है दोस्तों आपका सेंट क्लेयर थॉमसन नेजल स्पेकुलम। ये आपका जो वो उसका साइज छोटा होता है टूडिकम का, इसका थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ दोनों का लगभग सेम है, एंटीरियर राइनोस्कोपी। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है नेजल फॉरेन बॉडी हुक, ये आपका फॉरेन बॉडी कॉमन चिल्ड्रन में रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है पीएनएस मिरर, पोस्टियर नेजल स्पेस मिरर। इसका जो यूज है वो क्या होता है, जो हम पोस्टीरियर आपका नेजोफेरिंग्स है उसमें देखने के लिए कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, एडिनोइड होता है, बाकी जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे हम पोस्टीराइनोस्कोपी भी कहते हैं, जो प्रोसीडर हम इसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टिले नेजल ड्रेसिंग फोर्सेप। इसके अंदर जो जो आपका लास्ट वाला पोर्शन होता है वो सेरेटेड होता है। ठीक है, और यूज़ क्या क्या होंगे दोस्तों, परफॉर्म नेजल एंटी नेजल पैकिंग, रिमूवल फॉरन बॉडी, रिमूव कार्टिलेज बोन पीस ड्यूरिंग सेप्टोप्लास्टी एंड एसएमआर। नेक्स्ट आता है आपका लिक फोरसेप्स। लिक फोरसेप्स होता है आपका, ये इससे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो इसका यूज़ होता है वो नॉर्मली होता है टू टेक बंच बायोप्सी, और हम इसको डिफरेंट ऑपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लिक्टिविज एंट्रम पंक्टम ट्रोकर एंड कैनोला। मतलब ये होता है जो एंट्रम होता है मैक्सिलरी का, जितनी साइनस होता है उसका एंट्रम होता है, उसमें पंक्चर करने के लिए। ठीक है, ये कैनूला होता है। इसका यूज़ आप डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक में हम डिवाइड कर सकते हैं, और हमें एक दो यूज इनके पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों तिले हार्पून एंड एंट्रल बूर। जो जो आपका ऊपर वाला एंट्रम पंक्चर था वैसा इसका इसका यूज़ होता है। नॉर्मली ये नॉर्मली जो ऊपर वाला इंस्ट्रूमेंट था वो यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है थ्रोट, थ्रोट में इंस्ट्रूमेंट आता है उससे पहले लेग लेग्स लेग टंग डिप्रेसर। ठीक है, ये टंग डिप्रेस करने के लिए कौन से ऑपरेशन में, एडिनेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है आपका लेरिंजियल मिरर। लेरिंजियल मिरर से हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करते हैं। इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप में पूछता है कि हम रिमूव फॉरन बॉडी रिमूव कर सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं, और आपका हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या स्ट्रक्चर सीन होते हैं। इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप में पूछता है लैरिंगो लैरिंगो फेरिंग्स और फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है आपका दोस्तों वो आता है आपका डेवी बोयल डेविस माउथ गैग एंड ड्रेफिन मेटालिक बाइपोड। ये जो आपका टंग डिप्रेसर है, ये आपका बोयल डेविस माउथ गैग है, ये आपका मेटालिक बाइपोड है। ये नॉर्मली जो आपका टॉन्सिलेक्टोमी प्रोसीडर होता है, एडिनोक्टोमी प्रोसीडर होता है, उसमें यूज़ किया जाता है माउथ को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो हमारा डेनिस ब्राउनी टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स। जो ये आपका यूज़ किया जाता है वो आपका टॉन्सिलेक्टोमी प्रोसीडर होता है, उसमें वो टॉन्सिल को होल्ड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है आपका टॉन्सिलर डाइसेक्टर। टॉन्सिल डाइसेक्टर दे सकते हैं आप, इसे हम टूथ टॉन्सिल डाइसेक्टर भी बोलते हैं। जो तीन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं इनके आपको पता होना चाहिए कौन से, एक आपका नेगस आर्टरी फोर्सेप्स, एक आपका टॉन्सिलर डाइसेक्टर एंट्रीफिल रिट्रैक्टर एंड नेगस आर्टरी टायर। इनके यूज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका लास्ट आता है, लास्ट नहीं इसके बाद एक दो और बचे हैं, सेंट क्लेयर थॉमसन एडिनोइड क्यूरेट विद केज। जो एडिनोइड होता है बच्चों के अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसे रिमूव करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ठीक है, और जो लास्ट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आपका फुलर बाइवॉल्व ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। इसके आपको पार्ट पता होना चाहिए, पार्ट पूछता है, इंडिकेशन पूछता है, लेवल पूछता है। ठीक है, आपका कॉम्प्लिकेशन पूछता है, बच्चों में कौन सा हॉरिजॉन्टल सिंसिजन देते हैं, कौन सा हम वर्टिकल सिंसिजन कब देते हैं। ठीक है, और लास्ट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आपका कप डेंट सेक्शन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। नॉर्मली ये आपका नहीं होता, नॉर्मली जो फुलर बाइवॉल्व था वो आपका यूज़ होता है, और ये आपका ट्रैकल डायलेटर ट्रैकिया को डायलेट करने के लिए, और ये है सिंगल हुक ट्रैकल हुक रिट्रैक्टर।
ये नॉर्मलाइज के किस लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर रिट्रैक्शन ऑफ स्थेमस ऑफ थायराइड एंड टिश्यू फॉर एक्सपोजर ऑफ ट्रैकिलोल इन मिड एंड लो ट्रैकेस्टोमी ऑपरेशन। तो थैंक यू।